हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, आजकल बहुत ही र्यूमर्स फैल रही है कि भाई पबजी मोबाइल बैन होने वाला है इंडिया में। तो गाइस, क्या है इसके पीछे? ये सच है कि झूठ है या फिर रूमर्स है कि क्या है? क्योंकि जहाँ देखो वहाँ पे यही बातें चल रही कि भाई पबजी मोबाइल तो बैन होने वाला है इंडिया के अंदर। तो गाइज़, ये वीडियो मैंने उसी के लिए बनाया है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, कहीं पे भी स्किप ना करें। मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में कि भाई ये रूमर्स कहाँ से फैले, कैसे फैले, कि क्या है इसके पीछे का सच, क्या है इसके पीछे का चुतियाप, क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से ट्रेलर के साथ। वेलकम बैक गाइस, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सब बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल को इंडिया में बैन कर दिया गया और बाहर भी बैन कर दिया गया। आपको क्या लगता है गाइस, ये सच हो सकता है क्या? मतलब क्या अपनी गवर्नमेंट के पास अब कोई काम ही नहीं रहा कभी पबजी मोबाइल को इंडिया में बैन कर दे? तो गाइस, पता नहीं इसमें कितना सच है और इसमें कितना झूठ है वो तो मुझे मालूम नहीं, पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए कि पबजी मोबाइल को बैन किया गया है कि नहीं किया गया है, बराबर है। तो गाइस, कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक नोटिस फॉरवर्ड हुआ है हाईकोर्ट महाराष्ट्र से, और नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कुछ कि वकील और मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत कई घटनाओं और सबूतों के विचार के अनुसार ये निष्कर्ष निकाला गया है कि पबजी मोबाइल गेम बहुत ही उपद्रव और संबंधित गतिविधियों का निर्माण कर रहा है और बहुत सारे विद्यार्थी अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि काफ़ी देशों में इस खेल पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की गई है और इसके लीगल नोटिस टेंसेंट गेम्स कॉरपोरेशन को भी भेजी गई है। और गाइज, ये हाई कोर्ट का फैसला सुनाया गया है महाराष्ट्र से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, 22/12/2018 को। तो गाइज, अब हम क्या समझें इस नोटिस को कि क्या गाइज ये नोटिस रियल है कि फेक है? ये मतलब थोड़े दिनों में तो हमें पता चलने ही वाला है कि भाई ये नोटिस सच है कि फेक है कि क्या है, बराबर है। तो अभी तो हमें ये नोटिस मिला, ये नोटिस के मुताबिक हमें ऐसा लग रहा है कि ये भाई पबजी गेम थोड़े टाइम में बंद होगा, पर यहाँ पे कहीं पे भी ये जिक्र नहीं कि भाई ये पबजी मोबाइल की पबजी पीसी बैन होगा। वैसे कि हम सब जानते हैं कि भाई चाइना के अंदर पबजी पीसी को बैन किया गया है। क्यों बैन किया गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें कुछ पता चला है, जैसे कि मैंने कुछ सर्वे किया था उसके मुझे कुछ पता चला है कि भाई इसलिए पबजी पीसी को बैन किया गया था, वो भी मैं आपको। तो गाइस, इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड ब्लू होल को बैन किया गया है ब्लड एंड गोर की वजह से, बराबर है। उसका मतलब ये है कि भाई ब्लड मतलब कि जो हम जब भी खेलते किसी को मारते हैं तो हमारी स्क्रीन पे रेड कलर का ब्लड आता है, उसकी वजह से। तो चाइना की गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई ये जो चीज़ है वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है और हमारे यूथ को बिगाड़ रही है, तो उसकी वजह से भाई चाइना की गवर्नमेंट ने ये बैन कर दिया। पर भाई वो पबजी मोबाइल नहीं है, वो पबजी पीसी बैन किया है उन्होंने, पबजी मोबाइल को उनको बैन नहीं किया है। तो गाइस, वैसे ही इंडिया में भी अभी ये जो रूमर्स है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि भाई पबजी मोबाइल बैन हो रहा है कि पबजी पीसी बैन हो रहा है कि क्या बैन हो रहा है, बराबर। और जब ये बैन की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ कुछ जगह पर इंडिया में पबजी बैन हुआ है, पबजी मोबाइल बैन हो चुका है इंडिया के अंदर, पर पूरी कंट्री में नहीं हुआ, कुछ कुछ जगह पे हुआ है। जैसे कि वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT उसके हॉस्टल में, वो भी बॉयज़ हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में भी चालू है, मेंस हॉस्टल के अंदर वो बंद किया गया। उसका एक रीज़न था कि भाई जब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पबजी मोबाइल खेलते हैं तो आसपास का जो एटमोसफियर है वो स्पॉइल करते हैं और बहुत ही चिल्लाते हैं और मतलब दूसरे बंदों को डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे बैन कर दिया गया। उसके ऊपर प्रॉक्सी लगा दी गई है कि भाई पबजी पीसी के सर्वर से पबजी मोबाइल जो पबजी के जो सर्वर्स होते हैं उस पर कनेक्ट नहीं होंगे, और जो भी पबजी मोबाइल खेलेगा उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। तो वहाँ के बंदों ने खेलना बंद कर दिया, बस इजी। और कुछ कुछ और भी हॉस्टल्स और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी पबजी मोबाइल बैन किया गया, पर कंट्री में बैन नहीं हुआ गाइस, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर बैन हो भी जाता है तो यार मैं तो कहता हूँ छोड़ो यार, दूसरी कोई कॉलेज पसंद कर लो। नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ भाई, पढ़ाई बहुत सी ज़रूरी है, ऐसे मोबाइल गेम्स के लिए कॉलेज यार बर्बाद मत करना, कभी भी मत करना, ठीक है गाइस? तो क्लियर हो चुका है आई थिंक। अगर क्लियर नहीं हुआ और कुछ भी अगर आपको और भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स सेक्शन के अंदर लिखे और मुझे प्लीज़ बताएं कि गाइस आपको अब क्या डाउट है। और कुछ भी अगर अगले वीडियो के लिए भी कोई आइडिया तो वो भी प्लीज़ मुझे बताइए, वो भी मैं आपके लिए करूँगा गाइस। दूसरी चीज़ तो बस अब और तो कुछ है नहीं, मैंने आपको जो था वो बता दिया क्लियर एंड कट कि भाई तो मतलब खुशियाँ मनाओ यार, बॉटल तोड़ो, कुछ भी करो, विस्की पियो, कुछ भी करो यार, 18+, हाँ ओनली 18 डाउन, विस्की नहीं, बहुत ख़राब है, गंदी चीज़।
ठीक है गाइस, ओके चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, सबका खैर, बाय बाय, आवजो।